बुलेटिन में रुख करते हैं खबरों की तरफ। शामली में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों तक भगवान राम का जन्म उत्सव उनकी जन्मभूमि पर मनाने से हमें वंचित रखा गया। अब रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। रामनवमी भी है यहां पे। हमारे जो पूर्वज हैं तब से किसी भी जाति मत और मजहब का व्यक्ति है आपसी संबोधन में क्या बोलते थे? राम राम भैया, राम राम जी, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। अब मुझे बताओ राम के साथ हमारा संबंध किस रूप में है? इस रूप में है, हमारा संबोधन ही राम राम हो गया। और बहनों और भाइयों, कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई, हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है, हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है तो हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना, हुआ है ना, राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना। और इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में रोड शो किया, जिसमें 1500 गाड़ियों का काफिला शामिल हुआ। यह काफिला झांसी रोड होते हुए गुरुद्वारा माधव चौक, कोर्ट रोड होते हुए नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को अपना नॉमिनेशन फॉर्म सौंपा। उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहे। शिवपुरी शहर के गुना बाईपास से सिंधिया एक खुली जीप में सवार होकर रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार में दो जगहों पर चुनावी रैली पर हैं। गया और पूर्णिया में उनकी चुनावी सभा है। वहीं इस मामले में जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में प्रचार प्रसार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ाएं, बिहार के लड़के मजदूरी करने गुजरात में जा रहे हैं तो उन्हें लाठी से मारे और गाली दे। इसे छोड़कर मोदी जी बिहार में आएंगे तो यहां चीनी मिल को चालू करने पर भी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बातें होंगी, राम मंदिर की बात होगी, लालू के जंगल राज की बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में चीनी मिल चालू कब होगी। उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चों को यहाँ से पलायन करने के लिए कब रुकना होगा। अगर गुजरात के बच्चे अपने राज्य से बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो बिहार के बच्चों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में कब जाना नहीं पड़ेगा। इस पर मोदी जी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। लड़के बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ाए, बिहार के लड़के जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी करें तो उसको लाठी से मारे गाली दे, बिहारी कहे, बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद का बात होगा, हिंदू मुसलमान का बात होगा, राम मंदिर का बात होगा, लालू के जंगल राज की बात होगी, ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में चीनी का मिल चालू कब होगा, बिहार के बच्चों को यहाँ से पलायन करने के लिए कब रुकना पड़ेगा। अगर गुजरात के बच्चे गुजरात से बाहर नहीं जा रहे हैं मजदूरी करने तो हमारे बिहार के बच्चे क्यों जा रहे हैं बिहार से बाहर, इस पर मोदी जी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। गुजरात से 26 MP जीत कर गया है,
तो वो गुजरात हर चौथे दिन जा रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, वहां फैक्ट्री लग रहा है, और बिहार यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र किया और कहा कि जिन योजनाओं का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है वह मोदी की गारंटी है। लगातार सरकार द्वारा गरीबों को आवास, मुफ्त राशन, 24 घंटे बिजली और तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए उसे मोदी की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाओं का जिक्र हमारे द्वारा अपने पत्र में किया गया है उन सभी में मोदी की गारंटी है। उन्होंने बसपा और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उनको घर में जलाने के लिए फ्री बिजली भी मिली, 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, यह मोदी जी की गारंटी है। 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वो आगे भी दिया जाता रहेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। करोड़ों परिवारों को फ्री बिजली अर्थात सूर्य घर बना करके दिया जाएगा, जिससे उनको घर में जलाने के लिए फ्री बिजली भी मिलेगी और जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा सूर्य घर में। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी के इटावा लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने मतदाताओं को रिझाने का तमाम प्रयास किया। ज्यादा से ज्यादा मतदान उनके हित में किया जा सके जिससे वो फिर सांसद बने। इसी दौरान उन्होंने एक विवादित बयान भी दे डाला जिसमें उन्होंने साफ बताया कि जितने भी मतदाता बाहर रह रहे हैं आधे मतदाताओं को फोन करके बुला लेना और आधे वोट हाथ से ही डाल देना, यानी कि इस बयान में उन्होंने फर्जी मतदान करने की सलाह दे डाली। उनका यह विवादित बयान विपक्षियों के लिए मौका था और इस बयान को भुनाने में लग गए। अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस पर तंज भी कसा। हालांकि लोकसभा चुनाव के दरमियान तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और प्रतिनिधि बयानबाजी करते हैं और इसी बड़बोलेपन के चलते इटावा लोकसभा सीट से सांसद रामशंकर कठेरिया ने भी विवादित बयान दे डाला। योजनाओं का लाभ ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे और नहीं माने तो और हाथ जोड़ लेना और जो वोट बाहर है आधे फोन से बुलाइयो, आधे हाथ से डाल लियो। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाए गए इंडिया महागठबंधन की प्रथम बैठक बैतूल में आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड कृष्णा मोदी, पूर्व विधायक सुनीलम सहित अन्य इंडिया महागठबंधन के नेता उपस्थित रहे। बैतूल लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम को विजय बनाने के लिए सभी नेताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया। इंडिया महागठबंधन की बैठक में बड़ी संख्या में जिले भर से आए नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। क्योंकि लोग हर 5 साल में सिर्फ वोट डालने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बड़ा भाग भूभाग है जिसे ये तक नहीं मालूम है कि उस लोकसभा का उम्मीदवार कौन है। अगर आप जनता के बीच में एक सर्वे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद का उम्मीदवार कौन है या अन्य राजनीतिक पार्टी का सांसद का उम्मीदवार कौन है, तो लोगों के दिमागों में सिर्फ सिंबल चुनाव चिन्ह वहां पर जो है इन्होंने डाला है कि फलाना चुनाव चिन्ह कमल है, फलाना चुनाव चिन्ह पंजा है, फलाना झाड़ू है, हाथी है, घोड़ा है। हमारे देश में लोगों को जागरूक करने के लिए एजुकेशन व्यवस्था चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार की रणनीति से देश में राजतंत्र का और महंगाई ही मुद्दा बन रहा है। पूरे देश का किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के, कर्जा मुक्ति को लेकर के आंदोलनरत है और उसने निर्णय किया है कि वे भाजपा को बेनकाब करेंगे, भाजपा का विरोध करेंगे, भाजपा को दंडित करेंगे। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर कि पूरे पंजाब में, हरियाणा में, तमाम सारे जगहों पर भाजपा के उम्मीदवारों को
जब वो गांव में घुस रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि तुमने हमें 380 दिन तक दिल्ली के बाहर रोके रखा, आज भी खनौरी के अंदर और शंभू बॉर्डर पे रोक के रखे हो, तो हम भी तुम्हें अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। तो पूरा का पूरा विदिशा के रायसेन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को और बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनावी रण में कूद पड़े हैं, जिसके बाद प्रत्याशी जनसंपर्क करने में लग गए हैं। प्रत्याशी समर्थकों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और अपनी पार्टी के कामों और वादों को जनता को बता रहे हैं। विदिशा शहर के मुख्य बाजार में विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने शहर के मुख्य बाजारों में जनसंपर्क किया और कांग्रेस को समर्थन करने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर अलीगढ़ पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान ने बीजेपी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र की उपलब्धियां गिनाई। प्रदेश महामंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग वादों को पूरा करते हैं वह संकल्प लेते हैं और संकल्प पत्र जारी करते हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में नहीं आ रहे होते हैं वो सीधे घोषणा पत्र जारी करते हैं। प्रदेश महामंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इस बात को कोई भी दरकिनार कर देता है। वहीं योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार को स्वर्णिम सरकार बताया। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में विपक्ष पूरी तरीके से घबराया हुआ है, अब की बार 400 पार का जो नारा है वह सफल होने वाला है। इस संकल्प पत्र में जहां युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और व्यापारी के लिए, अन्य नौकरी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया गया है। और उसकी चाहे वो किसान सम्मान निधि के दायरे को और बढ़ाना हो, चाहे जो हम लोगों ने 4 करोड़ से ज़्यादा घर दिए थे उसको अब 7 करोड़ करना हो, चाहे हम लोग जो मजदूरों के लिए और जो अनेकों योजना हो रेहड़ी पट्टी वालों के लिए 10,000 से 50,000 करना हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, एयर की कनेक्टिविटी, व्यापार को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार मेघनगर के दशहरा मैदान पर स्वीप नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीओ जितेंद्र सिंह चौहान और स्वीप सहायक नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रुतिका पाटीदार द्वारा एडिशनल SP प्रेमलाल कुर्वे की उपस्थिति में SDM मुकेश सोनी ने मतदान करने की शपथ दिलाई और 13 मई को अधिकाधिक मतदान करने की मतदाताओं से अपील की। नगर में मशाल जुलूस निकालकर मतदाताओं को 100% मतदान करने की भी अपील की गई। तो प्रशासन भी ये उम्मीद कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि जो नारियों का मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। हम ऐसी कई एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे आज एक मशाल रैली का आयोजन किया गया था, विशेष रूप से महिलाओं के लिए चुनावी चौपाल का आयोजन किया गया है, महिलाओं की स्कूटी रैली निकाली गई, साथ ही महिलाओं के लिए रंगोली मेहंदी पेंटिंग कॉम्पिटिशन, साथ ही आगामी में भी कई कार्रवाई करवाई, कई प्रतियोगिताएं। कई मतदाता है उनको निर्वाचन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मेघनगर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों ने स्वीप के अंतर्गत एक मशाल का जो रैली है वो निकाली है, जिससे लोगों में ये संदेश पहुँचाना मुख्य उद्देश्य है कि जब 13 मई को हमारे यहाँ पर मतदान होगा तो सब लोग उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और जैसा मुझे अभी बताया गया था कि मेघनगर के जो मतदाता हैं वो मतदान के कार्यों में काफ़ी उत्साह से और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कई पटना में 24 और 25 अप्रैल को देश का सबसे बड़ा करियर मेला लगने जा रहा है। देश के सबसे बड़े करियर मेला का आयोजन A to Z के CEO रोशन राज ने बताया कि क्या खास है इस करियर मेले में, देखिए उन्होंने क्या कुछ बताया।
सीईओ हैं और 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोशन राज जी, जो ए टू जेड देखो के सीईओ हैं और 24 और 25 अप्रैल को पटना में होटल एक्जोटिका में बिहार का सबसे बड़ा कैरियर मेला लगने जा रहा है। बातचीत करेंगे रोशन राज जी से। सबसे पहले आपका स्वागत जी, नमस्कार। रोशन जी, पिछले साल भी आपने करियर मेले का आयोजन किया था, काफी व्यापक स्तर पर बिहार के 38 जिलों के साथ ही साथ पड़ोसी देश नेपाल और आपको उत्तर प्रदेश के भी बच्चे आए थे, इस बार क्या तैयारी है? देखिए, पिछले साल जो हम लोग फेयर एजुकेशन फेयर किए थे, मात्र वो एक दिन के होने के कारण हम लोग को समझ ही नहीं, मतलब कि जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हुए चाहे हम लोग हुए, बच्चा लोग से रूबरू बढ़िया से नहीं हो पाए। तो सभी को जब इंड होने लगा टाइम, तो सभी लोग का यही कहना था कि ये आज दो दिन का रहता तो बहुत बेहतरीन होता, तो लेकिन पिछले साल तो ऑर्गेनाइज डेट हो चुका था, इसी कारण हम लोग पिछले साल का अफसोस को जारी करते हुए इस बार दोबारा सबकी बात को सुनते हुए इस बार हम लोग दो दिन का एजुकेशन फेयर रखे हैं, जो 24 और 25 अप्रैल को गांधी मैदान के पास होटल पाटलिपुत्रा एक्जोटिका है, जो कि पटना का सबसे बड़ा पिलरलेस हॉस्पिटल, मतलब ये बैंक्वेट हॉल है इनका, उसी में हम लोग करने जा रहे हैं, जहां पर पूरे भारत के 2800 राज्य के कोने कोने से कॉलेजेज, जैसे इमैनुअल आरासर कन्याकुमारी से आ रहे हैं, नित्य मीनाक्षी बेंगलोर से आ रहे हैं, ऐसे पूरे भारत के कोने कोने से कॉलेज सब जो है रोपर से आ रहे हैं, स्किल्स यूनिवर्सिटी है हम लोग का, तो ये सब जो कोने कोने से जो यूनिवर्सिटी लोग आ रहे हैं, तो ये पूरे 100 कॉलेज यूनिवर्सिटी इस बार रहेंगे और 10,000 प्लस बच्चे जो यूजी और पीजी कोर्स के लिए। कटनी के बहोरी बंद जुझारी गांव के आदिवासी परिवार यहां के सरपंच की दबंगई से परेशान होकर शिकायत करने कटनी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि बहोरी बंद के हिनौती ग्राम पंचायत के सरपंच रामपाल यादव ने अपने खेत की नरवाई जलाई, जिसके आग बगल के किसानों के खेत में पहुंच गई। इस बीच आदिवासी परिवार जिनकी खड़ी फसल जलने की कगार पर थी, सरपंच के पास पहुंचे और विरोध किया, जिसके बाद सरपंच और उसके भाई ने आदिवासी परिवारों को यहां से कुल्हाड़ी लेकर खदेड़ दिया और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार किया। सभी परेशान किसान अपनी अर्जी लेकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब किसानों के पास कोई चारा नहीं बचा, तो किसान बड़ी संख्या में कटनी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। राहुल गांगिया, ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ये उसका झूठा एक नमूना है। ये आदिवासी लोग बौरीबंद तहसील के ग्राम जुझारी के निवासी हैं। हिनौती के यादव सरपंच महोदय ने अपना गेहूं काटा, उसके बाद आग लगा दी, वह आग इनके खेतों तरफ जब आने लगी, ये गरीब किसान है, ये दौड़े अपनी फसल बचाने के लिए, तो फसल जब आग बुझाने लगे कि हमारी फसल में न जल जाए, तो यादव परिवार उत्तेजित हो गया और इनको गंदी गंदी गाली देते हुए ये सरकार। इन लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विवाद है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे लोगों ने ज्ञापन दिया है, हम लोग उचित फोरम में जो है इस ज्ञापन को पहुंचा देंगे और जो भी वरिष्ठ स्तर से कार्रवाई होगी तो वो उससे अवगत करा देंगे। इन लोगों का भरुंदा नगर में रामनवमी के पावन अवसर पर एक अनूठी और भव्य पहल की गई है। यहां के दशहरा मैदान पर विश्व गुरु संस्था द्वारा भगवान श्री राम की 13,000 स्क्वायर फीट की विशाल बाल छवि का निर्माण किया जा रहा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा होने का दावा करती है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की खुशियां इस वर्ष भरुंदा नगर में एक विशेष और अद्भुत रूप में मनाई जाएगी। विश्व गुरु संस्था ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक पहल करते हुए भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी बाल छवि का निर्माण करने का संकल्प लिया है। इस प्रतिमा को बनाने में 28 कलाकारों की टीम दिन रात एक कर लगी हुई है। स्क्वायर फीट में भगवान राम की छाया चित्र बनाना जा रहे हैं और जो कि गिट्टी से उकेरी जा रही है, जिसमें हमारे विश्व गुरु टीम के कई सारे आर्टिस्ट हैं और हमारी टीम में कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 5-5, 7-7 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, और यही आज हम प्रोग्राम पिछले 3 दिन पहले से करते जा रहे हैं और ये जो इसका समापन है अपना रामनवमी के दिन किया जाएगा। और इसमें वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आसित यादव ने अंतर राज्यीय नाका
पांडरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत कर बॉर्डर पर सतर्कता बरतते हुए चेकिंग करने की बात कही, साथ ही सघन वाहन चेकिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि चेकिंग के दौरान यात्रा कर रहे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आने पाए, साथ ही अवैध रूप से कैश शराब और अन्य नशीले पदार्थ बेशकीमती धातुओं और मुफ्त में बांटे जाने वाली सामग्रियों को चेक कर पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक स्कूल बस की दुर्घटना के बाद पंजाब सरकार सक्रिय हो गई है। घटना के अगले दिन राज्य के मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किया जिसमें स्कूल बसों की जांच करें ताकि वह छात्रों के लिए सुरक्षित रहे। वहीं DC नवजोत पाल सिंह रंधावा ने भी जिले के ट्रैफिक DTO RTA और बाल सुरक्षा अफसर की टीमों ने सड़कों पर स्कूल बसों की जांच की। इस टीम में बाल सुरक्षा अफसर अपनी टीम सहित मौजूद रहे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद अम्बेडकर चौक पर टीम ने नाका लगाकर स्कूल के बसों को चेक किया। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल बस के ड्राइवर के खिलाफ चालान भी किया गया। बता दें कि पिछले दिनों महेंद्रगढ़ में स्कूल बस की घटना में 6 छात्रों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक छात्र घायल हो गए थे, जिसके बाद पंजाब सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। सर, हरियाणा में अभी 2-3 दिन पहले महेंद्रगढ़ जिले में स्कूल बसेस का एक इंसिडेंस हुआ है जिसमें 6 बच्चे एक्सपायर हुए, तो उस चीज़ को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब में सख्ती की है कि हर एक बच्चे की सुरक्षा को हमें यकीनी बनाना है, उनके फ्यूचर को हमने देखना है। तो उसके चलते अब पूरा अप्रैल मंथ हमने चेकिंग करनी है, DC साहब के हमें ऑर्डर्स हैं, तो इसलिए हमने आज से चेकिंग शुरू कर दी है। तो हर एक ब्लॉक में हर एक स्कूल में कोशिश है ऑन रोड भी और स्कूल तो पेपर गड्डी जानी कहते पेपर स्कूले पे है रामदास पेपर स्कूले रखे हो रामदास। कितने बच्चे बैठे हैं गड्डी? बच्चे 5-6 ही है। 5-6 बच्चे जाना कितने पिंडा जाना? हाँ जी, हाँ जी पिंडा जाना। गड्डी गड्डी कागज रखते नहीं सर? कागज होना पर भी नहीं पा रखे हो सर? पहले फोन भी होता नहीं पा रखे? मैं पहले इन्होंने चालक किया था, ठीक है, वो तो बाद मैंने पता नहीं भुगतना उन्होंने भुगतना मैं थोड़ा भुगतना। यूनिफॉर्म ठीक नहीं पा रहा ड्राइवर की गड्डी का यूनिफॉर्म वो थोड़ी गल ठीक है जी। अभी तक के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।